नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 11 मार्च को कहां पे आना है, कैसे कंपनी ज्वाइन करनी है, कितनी तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा, कितनी सैलरी आएगा एग्जैक्ट बताइए, मेरे को डाउट हो रहा है। इंडिया में इतना सैलरी 28,000 रुपये 10वीं पास को मिलता है क्या, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड वेल बता दूं, जो भी एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, 11 मार्च को आना चाहते हैं, वो लोग कंपनी में बेझिझक आइए, तत्काल टिकट करवाइए, डायरेक्ट भेजिए, सीट बुक कीजिए, कन्फर्मेशन लेटर लीजिए, ऑफर लेटर लीजिए पहले ईमेल आईडी पर, उसके बाद में कंपनी आपको ऑफर करेगी, आप लोग कंपनी में आके ज्वाइन कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस में एक रुपये का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फीस नहीं है, बल्क हायरिंग है। जो भी 11 मार्च को कंपनी में पहुंचेगा उसको रहने के लिए रूम की फैसिलिटीज़ भी मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरा जितना भी आपका डाउट्स है वो कवर करने की पूरी कोशिश किए हैं, और हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट तक का बन जाए, लेकिन जो 11 मार्च को आ रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक कन्फ्यूज़न का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग? आप लोग अच्छे से देखना। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट्स को। इनफैक्ट बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि क्या मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, क्या मुझे रिटर्न तो नहीं आना पड़ सकता है। देखो, आप लोग जब तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं समझते हो ना, तब तक प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट मैं भी एक तरह से सोच सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा क्या मेरा ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर एज ए कैंडिडेट अपने माइंड में मैं ये सोचता हूँ तो सारा डाउट्स मुझे भी आएगा। वही डाउट्स आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और देखो, जो नए लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक साइड कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हैं, उसको भी हम फुल डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये उम्मीद है आपसे। और हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझा रहे हैं, इस कंपनी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक समझिएगा। उससे पहले हम 3-4 नोट्स आपको देना चाहते हैं, जो अपने दिमाग में कवर कर लीजिए। देखिए, जब भी कोई कंपनी में काम करने जाते हो, उसमें सैलरी पैकेज अच्छा होता है, हाई लेवल का होता है, तो वो कंपनी काम भी उसी प्रकार से खोजती है। इस कंपनी में एक साइड के बैटरी बनते हैं, इसमें प्रोडक्शन मशीन ये सब में काम है, तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन देखो, सबसे पहली बात, अगर आप काम करने जा रहे हो तो सोर्सिंग मैनेजर सर 11 मार्च को आपको कंपनी में ही मिलेंगे, वो आपको अकोमोडेशन अरेंज करवाएंगे, वो आपको सब कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे। जो भी मन में कन्फ्यूजन्स होगा, डाउट्स होगा, आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइनिंग प्रोसीजर सब कुछ A to Z वो आपको बताएंगे और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड वेल, आप लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे, पूरा हेल्प सुवर्णा सर करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नए लोग हैं वीडियो में पहली दफ़ा आए, उसको कंपनी के बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं। ये जो कंपनी का नेम है, साइड में हम JD का फॉर्मेट शो करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कंपनी का नेम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सा कंपनी है? एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। और देखो, कंपनी क्या है? लिमिटेड कंपनी है, और लिमिटेड कंपनी में कभी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, बढ़ने के चांसेस होते हैं, ग्रोथ के लेवल होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एक लिमिटेड कंपनी में। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा, कंपनी का जो लोकेशन है, ध्यान से समझिएगा, लिमिटेड कंपनी है। कंपनी में काम क्या होता है वो पहले मैं बताता हूँ। कंपनी में 3 डिपार्टमेंट में काम है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, मशीन शॉप है। तो प्रोडक्शन में आपको खड़े होकर के काम करना है, क्वालिटी में बैठ करके काम करना है, मशीन शॉप में भी खड़े होकर के काम करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, प्रोडक्शन में खड़े होकर के काम करना है, लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे क्वालिटी में काम करना है। वहाँ का सुपरवाइज़र डिसाइड करेगा कि आपको प्रोडक्शन में काम है, एसिड फिलिंग में काम है, या फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम है। ये वहाँ का सुपरवाइज़र डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोफाइल पे काम देता है। आप खुद से एक्सपर्टेशन नहीं कर सकते कि मुझे ये काम चाहिए और मैं यही काम को करूँगा। वेल, अगर ऐसा माइंड में थिंकिंग है, सोच है, तो प्लीज़ आप मत आओ। आप टिकट भी भेजे हो मेरे को, तो आप अपना टिकट कैंसिल कर दो, मत आओ, क्योंकि आपका थिंकिंग ये होना चाहिए कि मुझे वहाँ का सुपरवाइज़र जो भी डिपार्टमेंट में लगाएगा उस डिपार्टमेंट में मैं काम कर सकूँगा। और हाँ,
जब दिमाग का सोच ये होता है कि मैं काम कर सकूंगा, मेक श्योर डेफिनेटली तुम काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, खड़े रह के काम करना है, ये दिमाग में सोच के आना कि मुझे खड़े रह के ही काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी रहेगा तो भी खड़े रह के काम करना है, और मैं 4 घंटा ओटी करूंगा तो भी खड़े रह के ही करना है। अगर इतना पॉसिबिलिटीज़ है तो डेफिनेटली कर सकते हो, नहीं तो जो मेहनती नहीं है, जो अभी तक कोई काम ही नहीं किया खड़े रह के, तो वो मत आइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, जो आपका इसमें देखो वैकेंसी में जो लिखा गया है, साइड में JD है उसमें लिखा गया है 30 कैंडिडेट की हायरिंग है, बट यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, 500 लोग चाहिए कंपनी में, 500 लोग चाहिए, और 500 लोग में जितना भी आएगा उसका सबका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए कंपनी लोकेशन है E5 मिडिक नियर सुभन्या मोटर्स मिडिक अहमदनगर महाराष्ट्र। तो ये जो जॉब लोकेशन है अहमदनगर, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लोकेशन का नाम अहमदनगर महाराष्ट्र। आप लोगों को टिकट कहाँ का करना है, तो अहमदनगर का करना है, सिंपली अहमदनगर का टिकट करना है और डायरेक्ट भेजना है। कहाँ भेजना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए, उसमें एडमिन करके 33 नंबर लास्ट में होगा, उसे भेजना है, अमन सर को भेजना है, मैं हूँ अमन सर, तो 33 नंबर पे आपको भेजना है। ओके, टोटल वैकेंसी इसमें मैंने बता दिया। क्वालिफिकेशन देखो, बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं कि सर मेरा भाई 9वीं पास है 8वीं पास है, क्या हम उसको लेकर के आ सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता, रियरली कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट को मांगा है, तो हम 10वीं पास कैंडिडेट को ही देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 10th पास हो तभी टॉकिंग्स करो, अगर 10वीं फेल भी हो तो टॉकिंग्स ना करो। आगे के बैच में अगर कोई ऐसा बात आता है तो हम आपको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और हाँ एक बात और बताता हूँ, क्वालिफिकेशन में कोई भी क्वालिफाइड पर्सन हो, चाहे वो BTech किया हो चाहे MTech किया हो, सैलरी जितना 10वीं पास का रहेगा उतना MTech का भी सैलरी रहेगा। मतलब सैलरी का ये रेशियोज नहीं है कि सैलरी डिफरेंशिएशन होगा, सैलरी सबका सेम होगा, इक्वल होगा, जो भी करना चाहते हैं इक्वल सैलरी पे काम, मेक श्योर डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट जो नहीं करना चाहते हैं उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, एंड हम उसको कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, सबका सैलरी इक्वल है, प्रोडक्शन हेल्पर का काम है, सिंपल समझिएगा। एंड वेल, यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब से तो क्या हमें पेमेंट्स का प्रॉब्लम होगा, क्या पेमेंट का इश्यूज होगा, क्या हमें पेमेंट समय से तो मिल जाएगा ना, तो ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब से, लेकिन हर महीने के 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपका पेमेंट हो जाएगा। मान लिया आपका 7 तारीख को सैटरडे है और छुट्टी है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, और संडे 8 को पड़ता है, तो 9 तारीख को मेक श्योर डेफिनेटली से आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट को लेकर के कोई भी इश्यूज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, एक साइड भी बहुत बड़ी कंपनी है टाटा महिंद्रा, ये सब में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स होता है, तो क्या उसका पेमेंट नहीं होता? पेमेंट सबका होता है, पेमेंट के लिए कोई भी इश्यूज और प्रॉब्लम नहीं होते। तो पेमेंट का ये दिमाग में टेंशन मत लेके चलो कि मेरा पेमेंट आखिर होगा या नहीं होगा, पेमेंट सबका होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप लोग। सो गाइज, यहाँ पे देखो आपका बता दूँ सैलरी का स्ट्रक्चर, सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ है, उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन पहले उम्र सीमा के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। उम्र सीमा जो है 18 से लेकर के 37 साल, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर है, यानी कि 18 से 37 साल तक का कोई भी व्यक्ति चलेगा, 37 से 1 महीने अगर किसी का ज़्यादा है तो हम नहीं रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि 37 से ज़्यादा वाले एज का कैंडिडेट को हम लोगों को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है करने के लिए। सो यहाँ पे सैलरी जो मिलेगा CTC है 14,999 रुपये है, 14,999 रुपये CTC पर मंथ है, 26 डेज वर्किंग इन ए मंथ का, तो 15,000 रुपये समझो कि आपका 26 दिन का 8 घंटे का CTC है। इसमें PF ESIC का डिडक्शन होगा, PF ESIC का डिडक्शन होगा, वो होगा 1949 रुपये, जिसमें PF है, ESIC है और PT है, ये तीनों चीज़ों का डिडक्शन होकर के आपका सैलरी 13,000 से 13,500 रुपये आएंगे, 13,500 क्या 14,000 तक आएंगे, क्योंकि 40 रुपये पर नाइट बोनस है। ओके, ये पर डे लिखा गया बट पर नाइट बोनस है। टोटल डिडक्शन यहाँ पे 1949 लिखा गया है, ओवर टाइम 133 रुपये प्रति घंटा है। मेन तो बात आता है ओवर टाइम का ही, बिकॉज ओवर टाइम अभी इतना ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे भी OT करना चाहता है वो कर सकता है,
तो ओवर टाइम 133 रुपये प्रति घंटा है, रेगुलर 8 घंटे ओटी चलते हैं और कम से कम 4 घंटे। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 2 घंटे ओटी करूंगा, 3 घंटे करूंगा, ये फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध है। 4 घंटे भी बहुत थोड़ा सा टफिंग होता है, आप लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है सुपरवाइज़र से, बट मिल जाता है, 4 घंटे का ओटी मिल जाता है। तो 4 घंटे का ओटी अवेलेबल है, 8 घंटे का अवेलेबल है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप लोग। ओटी लगा करके देखो, आप लोग ये सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो कि मुझे 28,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा ना, मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे 28,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा ना। एक काम कीजिए, अपना नोटबुक निकालिए, 15,000 रुपये इधर CTC है, आप 15,000 रुपये एक नोटबुक में लिख लीजिए, ओके। CTC अमाउंट हो चाहे कुछ भी हो, हम सैलरी के बारे में समझा रहे हैं, 15,000 CTC लिख लीजिए। उसके बाद में जोड़िए 133 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम है, उसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 घंटे से, तो कितना हुआ, अगर 130 ही मानो तो 520 रुपये हो गए, 520 रुपये हो गए आपको OT का, ठीक है, 520 रुपये हो गए। उसको आप कैलकुलेट कर लो 26 दिन से, कितना हो जाता है, आराम से आपका सैलरी 27-28,000 रुपये तक 4 घंटे OT डेली करने पे होता है, क्योंकि ओवर टाइम इसमें डबल है, ओवर टाइम का रेट बहुत हाई है। तो मैं इसमें क्या कहूँ, आपको आ जाना चाहिए और आप लोग ज्वाइन करना चाहिए, वो भी आगे बताएंगे। 8 घंटे का रोटेशनल शिफ्ट है, 4 शिफ्ट चलते हैं कंपनी में, एक जनरल है, एक डे है, एक मिड है, एक नाइट है, ओके। कंपनी फैसिलिटी में है, रूम बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 11 मार्च को कंपनी में आएगा तो उसको रूम की फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिकॉज अगर कोई 11 मार्च को नहीं आता है उसको रूम की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और इसमें हम लोग कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो 11 मार्च को विजिट करना पड़ेगा कंपनी में, चाहे इंडिया के आप किसी भी कोने से हो। बस की फैसिलिटीज़ नहीं है, कैंटीन का फैसिलिटी मिलता है 450 रुपये पर मंथ में, जिसमें ब्रेकफास्ट, चाय और लंच रहता है, एक टाइम का ही खाना रहता है, एक टाइम का खाना आपको खुद से मेजरमेंट करना होगा। जो पहले किसी कंपनी में काम नहीं किए हैं उसको ब्रेकफास्ट के बारे में पता नहीं होगा। ब्रेकफास्ट में 2-3 बिस्किट मिलते हैं, जिससे आपके पेट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपको ब्रेकफास्ट खुद से लेकर के खाना पड़ेगा। ये ब्रेकफास्ट जो होता है कंपनी के तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज होता है, जो एडिंग करने के लिए दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में किसी भी व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ ना, पेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ चाय मिलेगा, बाकी का ब्रेकफास्ट आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ नाम का ब्रेकफास्ट होता है, काम का ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। जो खाने पीने वाले व्यक्ति है वो 3 टाइम खाना खाते हैं, बिहार के, झारखंड के, बट यहाँ पे ब्रेकफास्ट से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। काम थोड़ा मेहनत वाला है तो ये खान पान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए खाने पीने का पैसा जो भी व्यक्ति है 2-3 हज़ार रुपये लेके जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ना होना चाहिए और रूम तो फ्री में मिलेगा। अब देखो, अब आते हैं यहाँ से सवाल, लोगों का सवाल कि सर, मैं सवाल लेता हूँ सबसे पहले, ओके, मैं सवाल कुछ ऐड किया हूँ, सवाल ये ऐड किया हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन 9th पास है, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, इसमें 10th पास कम से कम चलेगा। यहाँ पे दूसरा सवाल लोगों का आता है कि उम्र सीमा, उम्र सीमा मैंने पहले ही बताया 18-36 चलेगा, 37 तक ले सकते हैं, बट 37 साल एक महीने वाले को हम लोग रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। एक रूम में कितने लोग रहेंगे, देखो ये कंपनी रूम दे रही है, कंपनी जब रूम दे रही है तो एक रूम में 5-6 लोग से ज़्यादा भी रह सकते हैं। अब रूम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर रूम बड़ा है तो 10 लोग भी रह सकते हैं। मैं बात को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं जो भी है क्लियर बोल रहा हूँ, अगर रूम बड़ा है, रूम का साइज़ बड़ा है तो एक रूम में 10 लोग भी रह सकते हैं। वो रूम का साइज़ क्या होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो वो टेंशन मत लो कि एक रूम में कितने लोग रहेंगे, 5-6-4 ऐसे रहते हैं। लेकिन मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, अगर काम करने वालों में से हो, मेहनत करना चाहते हो तो ही जाना, क्योंकि इसमें खड़े रह के काम है, और पैसे कमाने के मामला में आप विदेश को भी फेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब से एक 10th पास पर्सन का इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा OT लगा करके। बेसिक तो 15,000 ही है, बगैर OT लगा करके मिलता है उतना, ओके। सो रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम अहमदनगर महाराष्ट्र है, अहमदाबाद गुजरात नहीं है, अहमदाबाद गुजरात बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र में ये रेलवे स्टेशन है, और अहमदनगर से कंपनी का डिस्टेंस अप्रॉक्स 10-20 किलोमीटर है, वो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास में नहीं आया,
बट लोकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें हार्ड काम होते हैं क्या? देखो, अगर फ्रेशर्स जा रहे हैं तो माइंड में ये सोच के जाना कि मुझे काम कर दें, मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे फैमिली को देखना है, मुझे फैमिली को चलाने हैं, तो आपको काम करने में भी मन लगेगा। अगर नहीं तो फिर आप वापस ही आओगे, क्योंकि मुझे पता है जिनका थिंकिंग यहाँ से सही नहीं, उनका दिमाग यहाँ से निकल जाता है और वो काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते तो वो कहीं से भी निकल जाते। मेरे कहने का सिंपल फंडामेंटल है, वहाँ पे सोर्सिंग मैनेजर खुद जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने बोला था कि बिहार से जाएंगे सुपरवाइजर जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब बिहार ऑफिस में आके अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपली सोर्सिंग मैनेजर वहाँ पे जाएंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स लगता है, किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है, तो आप लोग सर से मैनेजमेंट कर सकते हैं, सर से टॉकिंग्स कर सकते हैं। और ये जॉब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसी ने मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि आप मुझे ये ऑर्डर दीजिए, मैं अपने तरफ से कैंडिडेट भेजूंगा और मैं उससे चार्ज कर सकता हूँ क्या? बट आई एम नॉट रिकमेंडेशन, क्योंकि हम रिकमेंडेशन नहीं करते। हम जब फ्री दे रहे हैं, हमारे माध्यम से 100 लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो फिर हम उसे पेड क्यों करें? देखो, एक चीज समझना जरूरी है, आवश्यक है। जब आप पहुंच जाते हो रेलवे स्टेशन पे, पेशेंस रखना। कंपनी का जो गेट खुलता है वो सुबह 10 बजे से खुलता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए 10 बजे से खुलता है। तो 10 बजे तक तुम लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी पहुंच गए और 1 बजे रात में पहुंचे और 1 बजे रात से ही कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही गलत प्रोसीजर होता है। अब 1 बजे रात से कॉल लगाओगे तो ये गलत ही प्रोसेस है, ये बात ज़रूर समझना। तो ये गलत होता है, आप लोग 1 बजे रात से कॉल मत लगाना। सो मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, 1 बजे रात से कॉल लगाना ये आपकी शायद बेवकूफ़ी होगी। अगर 1 बजे रात में अगर आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हो तो प्रतीक्षालय करके एक नाम होता है रेलवे स्टेशन में, उस प्रतीक्षालय में जाके रुको, फ्रेश हो जाओ, सुबह के 7-8 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाओ। और कॉल कितने बजे करना है? 8 बजे तक फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे तक घूमो फिरो और 9 बजे कॉल करो। 9 बजे से कॉल करो, बात करो, पूरा कम्युनिकेट किया जाएगा 9 बजे से। आप लोग वहाँ से बहुत नज़दीक है, 10-15-20 मिनट का रास्ता है, आप लोग आ सकते हो। एंड वेल, अहमदनगर पहुँचने के बाद तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेहनती बंदे होंगे, काम करने वाले होंगे, वो करेंगे ही करेंगे। मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट भी होंगे क्योंकि वो टाइम पास जा रहे हैं, उनको घर की जिम्मेवारी नहीं है। हमें लगता है, देखो जितने भी 25 साल उससे ऊपर वाले कैंडिडेट होंगे ना, जिसके घर की जिम्मेदारी है, जिसका शादी हो चुका है, जो घर की परिस्थितियों को समझता है, वो मेहनत करके काम करेगा और 28,000 रुपये तक सैलरी उठाएगा। लेकिन जो 18 साल के हैं, 19 साल के, जो जाने के लिए उतावला है, टिकट करके तो भेज दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहाँ पर काम कर पाएगा, क्योंकि सबको घर की जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो 12 साल 10 साल में ही घर की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 18-19 साल में भी अपने माँ बाप की जो है, क्या कहूँ, बुरा तो लग जाएगा लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है। ये सोचो, अभी आपके करियर का जर्नी स्टार्ट है। मैं बुरा नहीं बोलता, ये जरूर सोचना, मैं भी दर दर की ठोकरें खाया। 17 साल से लेकर के 19 साल तक मैंने कुआं का पानी पिया। क्या क्या किया मैं? कुआं का पानी वैसा कि उसमें सांप भी चलते थे, मछली भी चलते थे, उसमें से पानी छान के पिया। इतना जंगल एरिया में था मैं, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी बसर की। एंड आफ्टर देन मैं मेहनत किया, हमेशा से मेहनत करना सीखा। रात के 1-1, 2-2 बजे तक मेहनत किया, 4 घंटे 5-5 घंटे नींद लिए, उससे ज़्यादा कभी नींद नहीं लिया 18 साल के बाद में। 5 घंटे से ज़्यादा कभी भी, 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लिया, फिर भी हम अभी करते हैं। तो आप सोच लो कि आप जब मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं 28,000 रुपये कमा सकते? दिमाग में एक मोटिव होना चाहिए कि हमें ओवर टाइम करने हैं, तो ओवर टाइम के लिए मेहनत लगता है, शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ खान पान अच्छा करना पड़ेगा, आप लोग को जो है सो खाना पीना अच्छा खाना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे वो कैंटीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, बाहर से खरीद के खाओ, पिस्ता मंगा लो, पिस्ता खाओ, दिमाग मजबूत होगा, च्यवनप्राश खाओ, अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें घर से जो है सो खाने पीने का चीज़ भी लेके जाओ, बनवा के भूजा बनवा लो, जो भी है लेके जाओ, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो भूजा जो है, चने के भूजे लेके जाओ, चने का भूजा में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो विटामिन होते हैं तो वो खाओ, अच्छा रहेगा। तो देखो, मेरे कहने का सिंपल फंडामेंटल है, शरीर पे तुम अगर ध्यान दोगे ना तो काम आसान लगेगी। अगर शरीर को ही तोड़ लोगे बिना खान पान के, तो तुम्हारा काम कोई भी वो हार्ड लगेगा। तो ये चीज़ों समझो,
खान पान पे ध्यान देना कहीं भी जाना तो, और काम मेहनत से करना, पैसे कमाना कोई भी उसमें उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी माई का लाल। ज्वाइनिंग का गारंटी मैं लेता हूँ, अगर 500 कैंडिडेट 11 तारीख के डेट में पहुंचता है उसका जिम्मेवारी मेरा है। अकोमोडेशन मिलेगा लेकिन एज पर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मिलेगा। कोई भी कंपनी में जाके थोड़ा सा भी ऊंच नीच हंगामा करता है उसको रिटर्न आना पड़ेगा, मैं पहले ही बोलता हूँ। इसीलिए ऊंच नीच हंगामा करने वाले व्यक्ति ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे, फिर दोबारा कभी जिंदगी में एक साइड कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। ब्लैक लिस्टेड एचआर के तरफ से होंगे, तो एचआर के तरफ से जो ब्लैक लिस्टेड होंगे वो जिंदगी में कभी भी एक्साइड कंपनी में ही काम नहीं कर सकते, ये सोच लीजिएगा। फिर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता है एक्साइड कंपनी के सीट में कि हाँ ये बंदा ब्लैक लिस्टेड है, तो ये बात सोचिएगा। वहाँ पे कंपनी के पास में जाके किसी भी व्यक्ति को हंगामा नहीं करना है। जो कम्युनिकेटिंग आपको किया जाएगा उस कम्युनिकेटिंग को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से वार्तालाप करनी है, मेहनत करके दो पैसे कमाने हैं, उसमें बात कुछ और होता है, उसमें मज़ा कुछ और होता है। सो थैंक गॉड समझ गए होंगे आप लोग। और देखो आप लोग टिकट करा के डायरेक्ट भेजिए, व्हाट्सअप का जो है सो हम नीचे दिए हैं, व्हाट्सअप का जो हम आपको दिए हैं नीचे लिंक, उसमें एडमिन करके लास्ट में 33 नंबर मेरा है, हमारी टीम मैनेजमेंट का है, कभी हम फ़ोन नहीं उठाते, हमारी टीम सब उठाती है। तो आप लोग जो है वो सिंपली क्या कर सकते हो, टिकट करवाइए अहमदनगर का, तत्काल टिकट करवाइए, जनरल टिकट करवाइए, भेजिए। अगर जो जनरल टिकट करवाना चाहता है वो तो 9 तारीख को ही भेजेगा, लेकिन जो तत्काल करवाना चाहता है वो 8 तारीख को भेजेगा। यानी कि कल के डेट में सब लोग टिकट मुझे भेजिए, और भेज के डायरेक्ट आप लोग नाम लिस्टेड करवाइए। 70 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और आशा करता हूँ 30 लोग तत्काल टिकट करवा के भेजेंगे और अपना सीट बुक करेंगे। और जनरल से तो तकरीबन 50 लोग हैं जाने वाले, 150 कैंडिडेट कम से कम जाएंगे। जनरल से जो जा रहे हैं आइए, मोस्ट वेलकम है, लेकिन टिकट करा के सब लोग भेजिए। सबको कन्फर्मेशन लेटर का फॉर्म मिलेगा, विद इन 2 आवर्स उनको कन्फर्मेशन लेटर भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।